Michael Francis Rizzi, do you renounce Satan? गॉडफादर का यह सीन दो एंटायरली डिफरेंट वर्ड्स को मिक्स करता है, वन सेलिब्रेशन ऑफ अ न्यू लाइफ और दूसरा द एंड ऑफ अनदर। रिलीजन ने हमेशा से आर्टिस्ट को अट्रैक्ट किया है, चाहे वो दांते और दाविंची की पेंटिंग्स या फिर कालिदास और कबीर के दोहे। इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड ये अट्रैक्शन नए आर्टिस्ट और उनके आर्ट फॉर्म्स में देखने मिलता है। अमीश त्रिपाठी की माइथोलॉजी बेस्ड फिक्शन बुक्स या फिर लेड ज़ेप्पेलिन का स्टेयरवे टू हेवन, सब ने रिलीजियस थीम्स को एक्सप्लोर किया है अपने अपने तरीकों से। पर सिनेमा इन सबसे अलग है। विजुअल स्टोरी टेलिंग किसी भी मीनिंग को डीपर लेवल पे फोकस करने की पावर देती है, अनलाइक पेंटिंग्स, वर्ड्स या म्यूजिक जहाँ कोई एक टाइम पे एक चीज से एंगेज रहता है। फिल्म्स इन तीनों का कॉम्बिनेशन है और ऑल्दो फिल्म्स एक न्यूअर मीडियम है कंपेयर टू पेंटिंग्स या म्यूजिक, अपने एक अलग वर्ल्ड क्रिएट करने की पावर रखता है, एक पावर जो रिलीजन के पास सालों से है। हम सब स्टोरीज में बिलीव करते हैं, उनमें अपने आप को देखते हैं। भले ही रिलीजन और सिनेमा बहुत अलग फील्ड्स लगे, ये दोनों आपकी उम्मीद से ज्यादा सिमिलर हैं। फिल्म्स और रिलीजन दोनों मिथ में बिलीव कराते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता, आई थिंक ये सबकी पर्सनल चॉइस है। पर सिनेमा और रिलीजन दोनों वर्क ऑफ फिक्शन है। दोनों उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जो एक्चुअल फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है। गॉड को किसी ने नहीं देखा पर लोग उसमें बिलीव करते हैं। सिमिलरली हम जब कोई फिल्म देखते हैं हम जानते हैं कि वो वर्क ऑफ फिक्शन है, येट हम उस फिल्म से कनेक्ट हो जाते हैं। हम भी वो इमोशंस फील करते हैं जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होती हैं। Advertising has us chasing cars and clothes. ये स्टोरीज डीपर मैसेज कन्वे करती है, वेदर रिलीजियस या सिनेमैटिक मैसेज जो ह्यूमंस और ह्यूमैनिटी के बारे में। सारे रिलीजन्स में गॉड ने ह्यूमन का फॉर्म लिया है हमें कुछ सिखाने के लिए। फिल्म्स भी ये पैटर्न फॉलो करते हैं, जहाँ कितना भी पावरफुल कैरेक्टर हो उसके ह्यूमन साइड पे फोकस किया जाता है, उसकी कॉमन लाइफ प्रॉब्लम्स शो की जाती है, डिफिकल्टीज जो वो फेस करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त, जिससे हम व्यूअर्स कनेक्ट करते हैं। स्टोरीज जो हमारी लाइफ से रिफ्लेक्ट करती हैं। इन स्टोरीज में पावर है स्पेस और टाइम में एक अलग स्पेशल प्लेस क्रिएट करने की। रिलीजन का हेवन और हेल, जहाँ कोई अपने कर्मों के हिसाब से जाता है, या फिर फ्यूचर का हमारा प्लेनेट जहाँ ग्लोबल वार्मिंग ने सब खत्म कर दिया, या फिर एक टेक्नोलॉजिकल वंडरलैंड। स्टोरी और उसके मैसेजेस के हिसाब से ये प्लेस यूज होते हैं। जिस तरह किसी के अच्छे कर्म उसको हेवन या हेल में जगह देता है, हमारे सही टाइम पे सही फैसले हमें उस सिनेमैटिक हेल या हेवन में जगह देते हैं। बोथ ऑफ देम रिफ्लेक्शन है सोसाइटी का। स्टोरीज उस सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स दिखाते हैं, हमें उन स्पेशल प्लेसेस में लेके जाते हैं, चाहे वो महाभारत का कुरुक्षेत्र हो जहाँ भाई भाई से लड़ रहा है, या फिर रोम का कोलोसियम जहाँ मैक्सिमस है क्योंकि उसका कोई नहीं बचा। ये स्टोरीज हमें डिफरेंट पार्ट्स दिखाती हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट मैसेजेस। इन स्टोरीज का सोसाइटी पे इम्पैक्ट है, और भले रिलीजन की पॉपुलैरिटी कम हो रही हो, सिनेमा भी हमें वो सेम लेसन देता है उन स्टोरीज को अपनी एक फॉर्म में शेप करके। सिनेमा और रिलीजन का कनेक्शन तीन वेव्स में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, जब मूवीज में गॉड के नेचर और ह्यूमन आइडेंटिटी जैसे प्रॉब्लम्स को एक्सप्लोर किया जाता था, फिल्म ज़्यादातर इस केओटिक वर्ल्ड में मीनिंग खोजने पर बेस्ड होती थी। द सेवेंथ सील मेरी फेवरेट है, जहाँ एक मिडिवल नाइट चेस मैच खेलता है डेथ से अपने और अपने दोस्तों की ज़िंदगी बचाने के लिए। फिल्म डेथ और उसकी एक्सेप्टेंस जैसे टॉपिक को एक्सप्लोर करती है। सेकेंड वेव में चीज़ें ह्यूमन साइड से दिखाई गई, जहाँ फोकस डिफिकल्ट सिचुएशंस में भगवान पे विश्वास और उस विश्वास रखने की परेशानियों को एक्सप्लोर किया गया। He suffered enough. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Third, जो current time पे ongoing है, हर किसी के अलग approach पे focus करती है. For he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. हर किसी के लिए same line का meaning अलग होता है. Meaning जो बदलता है situation
और सिचुएशन में फंसे इंसान के लिए करंट टाइम सिनेमा में रिलीजियस रेफरेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं। चाहे सेक्रेड गेम्स जहां रिलीजन स्टोरी के इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक था, या आयरिशमैन का चर्च सीन जहां फ्रैंक के नेचर के बारे में पता चलता है। जैक स्नाइडर की मूवीज भरी हुई होती हैं रेफरेंसेस से, मूवमेंट्स को ब्यूटीफुल बनाने के लिए या फिर कोई मैसेज कन्वे करने के लिए। आई विश ये डिस्कशन का पार्ट नहीं होता, पर क्या कर सकते हैं, डार्कनेस हर जगह है, रिलीजन और सिनेमा भी इससे बच नहीं पाए। स्टोरीज का ओरिजिन हमें कुछ सिखाने के लिए, हमें एक बेटर पर्सन बनाने के लिए हुआ था। रिलीजन का डार्क साइड हमें एंग्री, जेलस, दुनिया में हेट को बढ़ाता है। लोग एक दूसरे से लड़ते हैं इन द नेम ऑफ इट। रिलीजन जिसका सबसे बड़ा मैसेज था प्यार करो। सिनेमा भी इस नेगेटिविटी से डील करता है। एक आर्ट फॉर्म जिसका ओरिजिन एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हुआ था, वहाँ ह्यूमन ग्रीड ने जगह ले ली। कितनी बार हमने कोई मूवी या सीरीज देखी है जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए बनाई गई हो, जहाँ ओरिजिनैलिटी और क्रिएटिविटी के लिए कोई जगह नहीं है। ये नेगेटिविटी कॉमन पीपल के माइंड में भी है। जिस तरह कोई एक्सट्रीम लिबरल जो गॉड के एग्जिस्टेंस पे बिलीव नहीं करता, रिलीजन को गंदी नज़रों से देखता है, डिस्पाइट रिलीजन में कई पॉजिटिविटी है, लोगों ने सिनेमा को बस एक फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट और एक पैसे की चीज़ मान लिया है। लोगों के माइंड में सेलिब्रिटीज की नेगेटिव इमेज है रेदर देन आर्टिस्ट, जो एक आर्ट फॉर्म का पार्ट है। और ये नेगेटिविटी फॉलोअर्स में भी प्रेजेंट है। जब कोई फॉलोअर मंदिर या फिर कोई फैन सिनेमा हॉल में एंटर करता है तो उसका गार्ड डाउन रहता है। लोगों को कोई भी नेगेटिव वैल्यू सिखाई जा सकती है। लोग अपनी फेवरेट मूवी की बुराई नहीं सुन पाते, प्लॉट होल्स एक्नॉलेज नहीं करते, वो ब्लाइंड आई टर्न कर लेते हैं। सिमिलरली एक्सट्रीमिस्ट बिलीवर्स रिलीजन की नेगेटिव बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। कोई उनसे अलग वैल्यूज रखता है तो उसे गलत कहते हैं। वो इन दोनों चीज की बेसिक वैल्यूज को भूल जाते हैं। तो क्या सिनेमा रिलीजन है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ। एंड जस्ट लाइक दुनिया में कोई भी चीज़, रिलीजन और सिनेमा के भी दो साइड्स हैं, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पॉजिटिव साइड हमेशा उस नेगेटिविटी को बीट करे। सो फाइनली एक लंबे और बोरिंग लेक्चर का एंड हुआ। अगर आपको ऐसे डीप थॉट्स में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल, एंड कमेंट करके बताइए अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो।